नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और यदि हमारी वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे विशेष जगह के बारे में बताएंगे और दिखाए जा रहे हैं जो यहाँ की राजधानी है, और आप सर्वधर्म मंदिर को भी देखेंगे जो कि जस्ट इसके बाहरी परिसर में बना हुआ है। और आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो तो ये भी बता दें कि आज हम छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित हैं, और जो सामने आप देख रहे हैं ये रायपुर जंक्शन है जो कि बहुत ही भव्य बना हुआ है। इसके बाहरी परिसर में पार्किंग और भी व्यवस्थाएँ बनी हुई हैं, आप सामने देख सकते हैं। ये सर्वधर्म मंदिर जो बना हुआ है, यही है सर्वधर्म मंदिर यहाँ का, और इसके जस्ट बगल में ये रायपुर जंक्शन बना हुआ है। हम स्टेशन के बाहरी परिसर में खड़े हैं और आपको जो व्यू दिखा रहे हैं चारों तरफ का स्टेशन परिसर का, उसे भी देखकर आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे होंगे, यहाँ के बारे में देख रहे होंगे। ये यहाँ की राजधानी का जो मुख्य स्टेशन है वही है, और आज हम आपको रायपुर जंक्शन लाए हुए हैं, यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आपको आंतरिक परिसर में दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, और इस स्टेशन का कोड है R जो कि रायपुर जंक्शन है, और ये भारत के उन चुनिंदा रेलवे स्टेशनों में से एक है जिसे भारतीय रेलवे द्वारा ग्रेड A1 दिया गया है, और यहाँ भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले स्टेशनों में से स्टेशन एक है जो कि हावड़ा नागपुर मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। यह दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है जो कि बहुत ही भव्य बना हुआ है, और इसकी जो सुंदरता है यहाँ की साफ सफाई को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा। यहाँ पर लोगों की जागरूकता और लोगों के सहयोग से यहाँ काफ़ी साफ सफाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है सभी रोगों की बस एक दवाई, हर जगह हो साफ सफाई। और यहाँ पे गांधी जी का जो पोस्टर लगा है, महात्मा गांधी केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इस पर लिखा हुआ है। और ये जो देख रहे हैं सामने स्टेशन का व्यू, ये काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ की जो फैसिलिटी है, आप परिसर में यहाँ पे स्टॉल वगैरह देख सकते हैं, खाने पीने की वस्तुएं यदि आपको लेनी हो तो इन सब के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। और ये जो फुट ब्रिज देख रहे हैं आप प्लेटफार्म क्रॉस करने के लिए, ये भी यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन बने हुए हैं। और इस समय हम लोग फुट ब्रिज पे हैं, आप फुट ब्रिज पे देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा फुट ब्रिज है, और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है स्टेशन का ऊपर से व्यू देखने पे कैसा दिख रहा है ये भी आप देख सकते हैं। उधर भी एक फुट ब्रिज बना हुआ है, और यहाँ पे कुल टोटल 7 प्लेटफार्म हैं, और इसे जंक्शन पॉइंट भी कहते हैं। इस रायपुर जंक्शन को जंक्शन पॉइंट क्यों कहते हैं ये भी आपको बता दें कि यहाँ से एक लाइन बिलासपुर जंक्शन और एक लाइन पीतलगढ़ जंक्शन की तरफ जाती है, तो इसलिए इसे जंक्शन पॉइंट कहते हैं रायपुर जंक्शन। और यहाँ की साफ सफाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, भारत के तमाम रेलवे स्टेशनों में से एक है। और ये जो बाहरी व्यू देख रहे हैं आप, स्टेशन के बाहर का व्यू दिखा रहे हैं आपको फुट ब्रिज से ऊपर से, और बहुत ही सुविधाओं से युक्त ये रेलवे स्टेशन है। तो आपको अभी कभी आना हो यहाँ पे तो सुविधा हो सकती है आपके लिए, बहुत ही सुविधाजनक रेलवे स्टेशन है। तो आज के लिए इतना ही, इसी प्रकार हमारी वीडियो देखते रहिए, और आपको अब आज हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।